तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। हेमंत सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है। इस कार्यक्रम के तहत सिल्ली विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हेमंत सरकार के खिलाफ पाप का घड़ा के रूप में हंडी लेकर काली मंदिर सिल्ली से न्यू बुंडू चौक तक का पद यात्रा निकालकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के प्रभारी सिल्ली विधानसभा के उमेश महतो एवं दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल प्रभारी युवा मोर्चा शशांक राज कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सिल्ली विधानसभा के प्रत्येक मंडल के अध्यक्ष एवं युवा मोर्चा उपाध्यक्ष कार्यकर्तागण मौजूद थे। कार्यक्रम की जानकारी सिल्ली मंडल अध्यक्ष विनोद प्रसाद साहू ने दी। ये जुलूस निकाला आपने, क्या क्या बात है? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी युवाओं को बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आए थे, और सत्ता में आने के 1.5 साल के बाद हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से युवाओं को ठगा है, युवाओं को छला है, उनका पाप का घड़ा भर चुका है। लगातार युवा आंदोलन कर रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं, और हेमंत सोरेन जी रोजगार के प्रति जरा सा भी युवाओं के प्रति वफादार नहीं है। इसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे झारखंड प्रदेश में आज जिस प्रकार से उनका पाप का घड़ा भर चुका है, उसको फोड़ने का काम कर रही है, जनता के सामने उजागर करने का काम कर रही है कि हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से वादा खिलाफी किए हैं युवाओं के साथ, राज्य के युवाओं के साथ, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रही है, और ये जगाने का युवाओं को काम कर रही है कि आने वाले समय में अगर हेमंत सोरेन जी आप युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो भारतीय जनता युवा मोर्चा इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, और युवाओं को रोजगार देने के प्रति आपको किसी भी तरह से झुकाने का काम करेगी। क्या नाम है आपका? शशांक राज, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल प्रभारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा।